पॉइंट बीइंग कि मेरे ख्याल में ये सब इन दोनों को भी अगर आप इंक्लूड कर लें, क्योंकि ये दोनों भी चाहे आपको जिस तरह भी लगते हो, ये दोनों भी वक्त आने पे चुप हुए हैं, मफाहमत करने पे मफाहमत की है, मुल्क से जाने में मुल्क से गए हैं। तो आप सेल आउट से क्यों जोड़ते हैं? तो सेल आउट था 13 महीने के लिए आप चुप बैठे हुए थी मरियम नवाज साहिबा, वो सेल आउट ही था उन 13 महीनों के लिए। उसके बाद आप जिस वजह से चुप बैठी हुई थी वो शायद पूरी नहीं हुई, तो आप बोलना शुरू हो गई। इसी तरह आर्मी एक्ट की जो अमेंडमेंट थी वो एक क्रिटिकल जंक्चर था, जिसकी वजह से आज जो आप सारे इल्जामात लगाते हैं नाम ले लेके, वो नाम ही नहीं होते अगर आप उसको 5 मिनट के अंदर फारिग नहीं करते। लिहाजा देखें आप उनको क्लब जिस तरह भी कर लें, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये सब लोगों के ऊपर इस तरह की अलग अलग साइजों की तलवारें इसलिए लटकती हैं, इसलिए कि उनके अपने किरदार इस तरह के हैं। यानी कि इनके ऊपर इल्जामात सारे जो इल्ज़ाम हैं, जो अगर मंतकी अंजाम तक पहुंच जाए तो इन सब को बादियों नज़र देर आर केसेस टू आंसर। ये जो तमाम शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ टीटीओ के इल्ज़ाम लगते हैं, जो शहजाद अकबर साहब हर दिन टीवी पे आके बताते हैं आपको, अब ये इल्ज़ाम का कोई मंतकी जवाब होना चाहिए। जवाब ये नहीं है कि मेरा खानदान तो बड़े ज़माने से अमीर है। भाई आप बताएं जो ये चपरासी है, ये पैसे क्यों आपको अरबों रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं? नहीं एक सेकंड अब यही इल्जाम भाई साहब, देखिए इल्जाम भी पुराने नहीं है, इल्जाम भी यानी कि कोई नए नहीं है, सारे एक ही तरह के हैं। यही इल्जाम ओमनी ग्रुप और उसके साथ इल्जाम बिलावल साहब और ज़रदारी साहब पे लगता है कि फेक अकाउंट्स हैं। एक मरा हुआ शख्स जो है, जो जिसकी वफात 2 साल पहले जो फौत हो चुका था, वो 2 साल बाद ज़रदारी साहब की एक इम्पोर्ट गाड़ी की इम्पोर्ट की कस्टम्स ड्यूटीज कैश में भर रहा है, जिस गाड़ी को फिर ज़रदारी साहब खुद डिक्लेयर कर रहे हैं। या बिलावल साहब के आने के जो प्रोग्राम्स हैं उसके पैसे ओमनी ग्रुप से आ रहे हैं। मरियम नवाज साहिबा को एक मैं और बात कर दूं, मरियम नवाज साहिबा का चौधरी शुगर मिल्स में शेयर्स जो हैं वो एक वही अब्दुल्ला लूटा साहब खरीदते हैं, जो आसिफ ज़रदारी साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बने हुए हैं, वो इनसे वो शेयर खरीदते हैं और फिर वो शेयर्स उनको औने पौने दामों या गिफ्ट के जरिए वापस कर देते हैं। यानी मरियम नवाज साहिबा के पास पैसे भी आ जाते हैं, वो शेयर्स भी वापस आ जाते हैं। लेकिन बात ये है कि जब इस तरह के इल्जाम होते हैं ना, इल्जाम नहीं है, हर जगह इस्तेमाल ही इस तरह से हुआ होगा, उनका तो बिजनेस से कभी कोई ताल्लुक ही नहीं था। जो भी मेरिट्स हैं बिजनेस के मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो क्लियर है कि उनकी इन्वॉल्वमेंट कभी नहीं थी। अब अगर उन्हें कोई फैमिली बिजनेस से उनका हिस्सा कभी मिलता होगा तो शायद इस तरह मिलता हो। नहीं, आप साहब के हवाले से आप ये कह नहीं सकते ना कि उनको वो डायरेक्टर थी, वो रिसीवर थी, उनके शेयर्स थे। अब ये तो सब प्रूव होगा। और मैं देखिए फैमिलीज में ये होता है, नहीं नहीं बिजनेस फैमिली ये कोई बच्चों को डायरेक्टर बना दिया जाता है, कोई कानूनी दलाइल नहीं हो क्या रहा है, ये कोई कानूनी दलील। बहरहाल आप देखिए, मैं सिर्फ मरियम नवाज साहब पर फोकस नहीं कर रहा था, मैं इन सब का कह रहा था, इन सब का एक ही मसला है, इन सब का एक ही मसला है। अब आप एक चीज देखें कि ये क्या इत्तेफाक है, आप मुझे बताइए क्या इत्तेफाक है कि फेक अकाउंट्स केस जो शहबाज शरीफ साहब के हों या जरदारी साहब के हों, वहां कोई कन्विक्शन नहीं। क्योंकि वो वोट को इज्जत नहीं दिला रहे इलेक्शन से पहले, अगर कन्विक्शन होती है तो हफ्ते में 6-6 दिन की समाज के बाद मरियम नवाज साहब। आप ठीक फरमा रहे हैं सर, वो वोट को इज्जत नहीं दिला रहे इसलिए उनके केस फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल मेरा ये नहीं था, सवाल मेरा ये था ये केस बन कैसे पाते हैं, ये केस आपके खिलाफ बन सकता है, ये केस मतलब मेरे खिलाफ बन सकता है, यानी ये केस सिर्फ उन्हीं लोगों के खिलाफ क्यों बनते हैं जिनको एकदम से ख्याल आता है कि जवाब हर चीज का ये है कि मेरा खानदान पिछों से अरबपति है। अच्छा ये मेरा इस पे, मेरी इस पे राय प्लीज जरा सुनना। देखें मेरे ख्याल से केस मेरिट जो भी हो, केस क्यों बनते हैं कि आपने बात की है, केस आप भी खड़े हो जाएं। नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं कहा केस क्यों बनते हैं, केस क्यों बनते हैं मैं बहुत क्लियर हूं। मैंने कहा ये केस बन पाते कैसे हैं और सारे एक ही तरह के केस बन पाते कैसे हैं। ठीक है, देखिए मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ और चौधरी शुगर मिल का जो रेफरेंस है, वो जो कंप्लेंट फ्लैग हुई थी वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जब फ्लैग हुई थी जब पीएमएल नून हुकूमत में थी। लिहाजा ये केस, और मैं नहीं कह रहा कि वो उनके खिलाफ क्या था क्या नहीं था, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये मतलब ये हवाई बातों का फायदा उठाते हैं कि आवाम जो है उसको इंटरेस्ट नहीं है स्पेसिफिसिटी में और फाइनेंस में, वरना ये पूरी दुनिया में कहीं भी होता तो ये पूरी जनरेशन पारे गए, ये सब लोग इन इल्जामात से पारे गए।